दोस्तों नमस्कार। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑल विजय फ्लेक्स पर। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ 12:30 की एल्बम के अंदर साइज कैसे डालते हैं, यानी कि उसका साइज कैसे बनाते हैं या मेंटेन करते हैं। रेडीमेड फोटो अगर आपके पास में PhD आती है तो उसके अंदर हम कैसे फोटो एडजस्ट करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले ये देखिए, ये हमारे पास में एक फोटो है, पूरी फाइलें हैं। ये वेडिंग एल्बम का 12:30 का साइज है, ये देखिए। इसमें से मैं एक साइज ले रहा हूं, ये वाला। ये आपका साइज ओपन हो गया, अब ये देखिए। ये वाला, ये आपका साइज ओपन हो गया है। आपको करना क्या है, अगर इसके अंदर वीडियो आप डालना चाहते हैं, सबसे पहले F7 प्रेस करेंगे, या यहां से लेयर हम ओपन कर लेते हैं, ये रही लेयर, और इसकी शॉर्ट कमांड है F7। ये देखिए, ये विंडोज के अंदर से निकलती है, और L लेयर F7 है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। ये देखिए, ये हमारी लेयर सारी की सारी यहाँ पे आ गई है इस टाइप से, ठीक है। अब इसको हम बंद कर देते हैं, इनको सब मैं को मैं बंद कर देता हूँ क्रॉस से। अब हम फोटो लेंगे, ये देखिए मैं फोटो लेता हूँ। फोटो हमारे पास में वेडिंग के रखे हुए हैं कुछ, ये कुछ फोटो मैं ओपन कर लेता हूँ शादी के। दूल्हे का ले लेते हैं एक, ये और एक ये ले लेते हैं। इसके बाद एक ये आ गया और एक ये फोटो आ गया। ये हमारी ओरिजिनल लेयर है, इसके अंदर टोटल फोटो लगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि अभी हमें दो फोटो की और जरूरत है। दो फोटो मैं और ले लेता हूं इसमें से, ये देखिए दो फोटो मैंने और ले लिए इसमें से। अब क्या है, हमें फोटो इसके अंदर डालने हैं, यानी कि इस साइड हमें दूल्हे का डालना है। और दोस्तों मैं आपको एक बात बता देता हूं कि ऑटो सिलेक्ट के कॉर्नर पे एक बटन होता है, यहाँ पे इस साइड में, इस पे अगर आप ऑटो सिलेक्ट हटा देंगे ना, तो क्या है आपको हर लेयर पे जाना पड़ेगा बारी बारी, यहाँ पे ऐसे करके। लेकिन अगर आप ऑटो सिलेक्ट यहाँ पे रखते हैं इस टाइप से यहाँ पे, तो क्या है खुद ब खुद लेयर सिलेक्ट हो जाएगी। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं कि लेयर आपकी अपने आप सिलेक्ट हो गई है, मैं किसी भी लेयर को यहाँ से सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ। ये देखिए आप देख सकते हैं इस साइड में लेयर आपकी अपने आप हर फोटो पे अपने आप सेट हो जाएगी। तो ये बहुत अच्छी कमांड है दोस्तों आप लोगों के लिए। अब इसको क्या करता हूँ, मैं एक फोटो ले, ये पहला वाला फोटो लगाता हूँ, जैसे यहाँ पे दूल्हे का लगा हुआ है घोड़ी का, इसको ले लेते हैं हम। कॉपी किया मैंने और इसको हमने उठाया और पेस्ट मार दिया यहाँ पे। इसको छोटा करेंगे सबसे पहले हम, ये देखिए यहाँ पे हमने क्या करना है, इसकी ओपेसिटी डाउन करनी है। सबसे पहले राइट क्लिक कीजिए आप, ताकि आपको पता रहे कि कितना रखना है। यहाँ से F9 मैंने प्रेस किया और यहां से जाके आप इसकी ओपेसिटी इतनी कर दीजिए, ठीक है। इसको बंद कर देता हूं मैं, ये देखिए यहां से ओपेसिटी मैंने डाउन कर दी दूल्हे की, तो मुझे पता लग गया है। कीबोर्ड के ऊपर भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो कमांड होते हैं वो भी ओपेसिटी के लिए होते हैं, आप उनका भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। ऑटोमेटिक ओपेसिटी आपकी डाउन होती नजर आएगी आपको, ये देखिए,
ठीक है। अब करना क्या है, सपोज कीजिए आपको इस पे डालना है, ये फाइव ले लिया मैंने, यहां पे आपका फोटो है इस टाइप से, और ये सिलेक्ट हमने कर दिया है लेयर, ये देखिए ये हमारा हिस्सा सिलेक्ट हो गया इस तरह। यहाँ पे नॉर्मली आपको उस फोटो के ऊपर जाके सिंपली सिलेक्ट, हमने वही फोटो कर रखा है ये देखिए, और उसको सिंपली मास्क कर देना है इस टाइप से, ये देखिए आपकी फोटो ऑटोमेटिक वहां पे ऐड हो गई है। कंट्रोल अल्ट प्रेस करते हैं, हम सिलेक्ट करेंगे इसको, कंट्रोल अल्ट प्रेस करेंगे, और ये देखिए इस टाइप से कर दिया हमने। अब हमने डालनी है दूसरी फोटो, ये फोटो हमने ले लिया है सी, और हमने इसको कर दिया बी। दोस्तों थोड़ी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी इस पे फोटो को इसके साइज में जाने के लिए, ये देखिए इतना कर दिया है, क्योंकि अगर आप इस टाइप से नहीं करेंगे तो बॉक्स के अंदर तो फोटो जानी चाहिए ना, तो इसलिए तो यहाँ पे हमने कर दिया है। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको देखना है, ये है आपका पोर्शन, ठीक है। यहाँ पे गए, ओपेसिटी कम कीजिए, और ये देखिए आपकी फोटो कौन सी है, ये वाली लेयर आपकी लेयर नंबर 11 है, ठीक है। सिंपली यहाँ पे कीजिए और लेयर नंबर 11 को प्रेस कीजिए, ये देखिए ये आपका पूरा एरिया सिलेक्ट हो गया ये, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, आपने सिंपली मास्क कर देना है, ये देखिए ये दूसरी फोटो आपकी आ गई है। इस पे हम, अगर आपको सपोज कीजिए F9 प्रेस कीजिए, अगर आपको इसका कलर थोड़ा भी चेंज करना है तो उसी फोटो में जाके सेम करना पड़ेगा। बैक साइड की फोटो मैंने एज इट इज छोड़ दी है, यहाँ पे इसका भी हम कलर चेंज कर लेते हैं, देखिए इस टाइप से। एक और फोटो लेते हैं हम कोई, और ये वाली कंट्रोल सी किया, और यहाँ पे हमें लगाना है इस फोटो को, यहाँ पे ये आपकी है लेयर नंबर 12, ये F9, ये देखिए ये लेयर नंबर आपकी, मैं हटा रहा हूँ इसको, ये लेयर है आपकी ये वाली 12 नंबर, ठीक है। F10 कर देते हैं हम, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, कंट्रोल टी किया, और इसको हम इस टाइप से कर देते हैं यहाँ से, और इसको भी ठीक हम वैसे ही करेंगे, ये देखिए F2 1 2 3 4 5, यानी कि 5 पे हमारी ठीक बैठती है। F12 किया, क्लिक किया, सिलेक्ट किया, इस पे आपको जो सिलेक्ट करना है ये जो आपके खाली बॉक्स होते हैं ये वाले इस साइड में राइट साइड पे, इस पे करना है, क्लिक किया, और इसको हमने उस फोटो के ऊपर ले जाकर, यानी कि ये आपकी फोटो है ये वाली, तो मास्क कर दिया खाली, ये देखिए, और ओपेसिटी कर दिया उसकी 0, ये देखिए ये भी फोटो आपकी सेट हो गई है, इसको हम कलर इसका कर सकते हैं, ये देखिए ठीक है, ये आपका आ गया इस टाइप से। और इसके अंदर और फोटो हमने डालनी है, तो ये फोटो ले लेते हैं हम, फिलहाल हम इनको लेते हैं, इनको 3 लड़के को इतना ही, कॉपी किया, कंट्रोल W कर दिया उसको मैंने, और इनको हम डालते हैं इस साइड में, ये देखिए ये आ गया, इसके बराबर रखिए, और कंट्रोल T आप प्रेस करेंगे, कंट्रोल T आपने प्रेस करना है, और शिफ्ट के साथ इसको इतना, शिफ्ट और आल्ट की के थ्रू इसको इतना कर देना है, ये देखिए ये हो गया इस टाइप से। दोस्तों ये काम मैं PhD फाइल में कर रहा हूँ आपका, ठीक है, छोटा कीजिए, देखिए कहाँ तक आ रहा है,
यानी कि कट रहा है अभी हाथ ये, ठीक है। अब हम इसको जीरो करते हैं, ये देखिए इसको हम हाइड कर लेते हैं। ये लेयर देखते हैं कौन सी है, ये है लेयर आपकी 17 नंबर, 17 नंबर लेयर है दोस्तों ये, और इसको हमने कर दिया ये वाला। अब इसको हमने ये किया है, सिंपली हमने 17 नंबर पर लेयर पे गए, लेयर नंबर 17, ये आगे इसका बॉक्स हम सिलेक्ट करेंगे। ये देखिए पोर्शन आपका सिलेक्ट हो गया, टॉप पे जाना है आपने सबसे इसको, और नॉर्मली मास्क कर देना है और उसकी ओपेसिटी ठीक कर देनी है। ये देखिए ये इस टाइप से आ गया है आपका, ठीक है। कंट्रोल एल्ट प्रेस किया और इसको हमने इस टाइप से कलर कर दिया थोड़ा सा, नहीं हुआ है F7 दबाइए और इसके इस पॉइंट पर क्लिक कीजिए और कंट्रोल एड प्रेस कीजिए और इसको ऐसे कर लीजिए, ओके। ये देखिए ये कलर इसका चेंज हो गया है। अब बीच वाली लेयर को हम चेंज करते हैं, दूल्हे को ले लेते हैं। आप यहाँ से भी कलर चेंज करके ला सकते हैं दोस्तों, यहाँ से हमने कंट्रोल एल्ट प्रेस किया, कंट्रोल सी किया, डब्लू किया, नो कर दिया हमने, कंट्रोल वी मार दिया। ये देखिए सबको इसको ऊपर ले जाते हैं हम, ये 7x7 फोटो की ले का है ये आपकी PHD जो 12x30 का साइज है दोस्तों। ये देखिए इतना ले लिया है। अब हम इसकी ओपेसिटी डाउन करेंगे, क्योंकि जरूरी है ओपेसिटी के थ्रू ही आपको पता लगेगा कि कहाँ पे आपका लेयर सेट हो रही है। ये आ गया, जीरो किया, इसको बंद किया, ये देखा कौन सी लेयर है, ये लेयर नंबर 14 है ये वाला, और इसको हमने ले लिया ये, ठीक है। 14 पे जाएंगे हम, ये लेयर है, ये आ गई। सिंपली इसको सिलेक्ट करना है आपने इस टाइप से। अब आप देख सकते हैं कि आपका पूरा फोटो आ रहा है, और यहां पे हमने जाना है और इसको कर देना है सिंपली मास्क। ये देखिए ये आपका मास्क हो गया पूरा का पूरा फोटो। इस टाइप से और ये फोटो हम एक और लेयर रह गई हमारे पास में, ये वाली, ये फोटो हमने लेना है, ओपन करनी है फोटो, एक और ये ले लेते हैं हम, कंट्रोल सी किया, डब्लू किया, वी कर दिया, इस पे रखते हैं हम, थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो। ये देखिए आप देख सकते हैं ये है आपका 18 नंबर लेयर है ये वाली, यहाँ पे रखना है सिंपली, सेम इसी के नीचे रखा आपने, इसको रखा, इसकी ओपेसिटी हमने डाउन की ये वाली। ये देखिए थोड़ा बड़ा लग रहा है ये, तो छोटा और कर लेते हैं इसको, इस टाइप से, और इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं इस वाले पोर्शन को, और इसको कर देते हैं हम मास्क। ये देखिए ये आ गया है। अब अगर आपको इसमें चेंज करने होते हैं, ये देखिए दोस्तों ये चेंज करने होते हैं तो इस वाली लेयर पे सिलेक्ट करना पड़ता है ऊपर, तब ये चेंज हो पाता है कलर इसका। इसको मैं बंद कर देता हूँ, ये देखिए कंट्रोल एल प्रेस किया मैंने और इसका कलर मैंने कर दिया चेंज,
एक फोटो रह गई आपकी बाकी, ये वाली, इसको भी मैं आपको चेंज करना बता देता हूँ। ये 7 नंबर लेयर आपकी, ये वाली, इसको आप मैनुअली भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो। ये फोटो हमारे पास में पड़ी हुई है, ये वाली कुछ फोटो है, ये हम लगा चुके हैं, ये लगा चुके हैं, ये वाली इसको लिया हमने और यहाँ पे कर दिया। और ये लेयर नंबर आपकी 16, यहाँ पे हमने कर दिया, कंट्रोल टी किया, इस टाइप से फोटो खराब हो जाएगी आपकी, ठीक है। इसको आपने सिलेक्ट करना है 16 को, लेयर को, इस टाइप से कंट्रोल के साथ में। ये देखिए, ये इतनी फोटो आएंगी, ठीक है। इसको हमने लेना है और इसको मास्क कर देना है। ये देखिए, मास्क करने के बाद में हमने क्या करना है, ये देखिए, कंट्रोल एल प्रेस करना है और इस फोटो को थोड़ा सा इस टाइप से कर देना कलर, ताकि ये लगे। ये देखिए दोस्तों, आपकी जितनी भी फोटो है थी, मैंने 12x30 का इसका शीट का साइज है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहां से कॉर्नर से लिया 12x30, कंट्रोल अल्ट आई, इंचिस में देखिए आप, 30x12, यानी कि 12x30 भी कहते हैं, 30x12 भी इसको हम कह देते हैं। 200 रेजुलेशन रखते हैं दोस्तों इसमें, क्योंकि होता क्या है कि सीट पूरी की पूरी निकलती है वहां पे लैब पे जाके, इसलिए पूरा का पूरा साइज देते हैं 12x30 का। आप अपनी मर्जी से भी इस पे डाल सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो मैंने आपको बताया कि कैसे हम फोटोए चेंज करते हैं, आगे मैं आपको बताऊंगा और भी नई चीजें। तो दोस्तों, 30x12 का जो साइज का लिंक जो है, मैंने डाउनलोड में डाल दिया है, अगर आप लोगों को कोई परेशानी होती है तो आप उस डाउनलोड लिंक को यूज कर सकते हैं और उसको कॉपी करके एल्बम बना सकते हैं। सो प्लीज कीप वॉचिंग माई ट्यूटोरियल ऑन द यूट्यूब चैनल।